आज हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। जी बच्चे, फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। एक लाल मूवर है, वो किसको कट कर रहा है? ग्रास को। और उसने जितनी फोर्स लगाई है, फर्ज करें ये हमारे पास टॉपर नंबर क्या है, 1 है। ये हमारे पास ग्रास है और लॉन मूवर इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक बंदा मूव करवा रहा है। उसने इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई है वो फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन। वो फोर्स लगी हुई है 40 न्यूटन। अब ये जो लॉन मूवर है ये कितनी स्ट्रिप लंबी काटता है, 20 मीटर लंबी इसने क्या काटी है स्ट्रिप। और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20 डिग्री। अब वो कह रहा है किसने कितना वर्क किया है, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, 20 मीटर। एंगल कितना है फोर्स के साथ, 20 डिग्री। तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम में क्या लिखते होते हैं, गिवन डाटा। शाबाश, गिवन हमारे पास क्या है, फोर्स गिवन है। फोर्स कितनी दी हुई है, 40 न्यूटन। और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दैट इज 20 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रिप की लेंथ वो कितनी है, 20 मीटर। सारे ऐसे यूनिट्स में है, इसको कैलकुलेट करना आसान है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, उसके लिए कैप्शन क्या देंगे, टू फाइंड, मालूम कीजिए कितना वर्क हुआ है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शाबाश, एफ डॉट डी। और डॉट खुल जाए तो क्या जाता है, कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। और कॉस भी कितना है, 20। व्हाट इज कॉस 20, 0.9396। उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें, जी कितना आपको पता है। जी मेडिकल करने तो अपने आप कैलकुलेटर साथ लेके आए करें, आपको प्रीवियस टाइम भी बताया था मैंने, 751.75 जाऊल हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। इतना ही है, कितना आया, बस ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जूल। और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आर एंड रो मास इज इक्वल टू 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 केजी फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इन फॉलिंग 200 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। उसने कहा है एक रेन ड्रॉप है, उसका मास गिवन है, वो नीचे वर्टिकली क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अब वो जो नीचे फॉल कर रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब जो उसने वर्क हुआ है, या पहले उसने जो एनर्जी स्टोर थी वो किसकी फॉर्म में स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब जो वर्क ग्रेविटी की वजह से होगा वही वर्क किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन साइन क्या होगा, ऑपोजिट, क्योंकि जब आपके पास जो रेन ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ, और आपका जेट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ड्रॉप किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन किस तरफ है, ऊपरी तरफ। आपके पास ग्रेविटी की वजह से वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और फ्रिक्शन की वजह से वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। जितना वर्क ग्रेविटी ने किया उतने वर्क किसने किया, फ्रिक्शन ने किया। ओके, गिवन में हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 आ गई हमारे पास। ओके, गिवन डेटा, मास ऑफ रेन ड्रॉप इज 3.35 × 10⁻⁵ kg. व्हाट इज द वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितनी दी हुई है, 100 मीटर।
हाइट दी है 100 मीटर। ये आपके पास रेन ड्रॉप है, यहाँ से फॉल किया है, हाइट कितनी है 100 मीटर। नीचे आपके इसमें जो वर्क हुआ है वो आपने कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और जो वर्क किसकी वजह से हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से, वो आपने कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? अब हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मैं वो दोबारा लिखूंगा, गिवन डेटा टू फाइंड ये वो आप इन स्पेस के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास वर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एच, क्योंकि अब बात किसकी हो रही है, हाइट की। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी वी कैन राइट एच, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एच कॉस ऑफ थीटा। एफ किसके बराबर है, फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, क्या आ जाएगा, एम जी एच कॉस ऑफ थीटा। ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ, और आपके पास जो रेन ड्रॉप आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, नीचे तरफ, एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है किसकी, एम जी एच की। मैथ कितना था, 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5, और जी कितना है 9.8, और एच कितना है 100। करो वाले कितना है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, लुक इनटू द कैमरा, कितना 0.0328, सारा हल कर लिया है, 10 की पावर माइनस 5 वाला भी 0.0328 जाउल वर्क इज डन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्क इज ड्यू टू फ्रिक्शन यही होगा, लेकिन क्या आ जाएगा, एफ एच कॉज ऑफ थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड, और बॉडी किस तरफ जा रही है, डाउनवर्ड। एंगल कितना आ गया 180। क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं थीटा मेंशन कर देता हूँ, कितना 180, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ एच। और आपने माइनस देखा कैलकुलेट एफ एच करके, या तो किसको कैलकुलेट किया हुआ है एफ एच को, और हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 0.328 जब। बस फ्रिक्शन की वजह से वर्क और ग्रेविटी की वजह से वर्क, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, 0.032 ओके, चल ठीक है। नेक्स्ट 10 ईंटें हैं, कितनी ईंटें हैं, उनको स्टैक किया है किसी के ऊपर, और कहता है कि उनको एक दूसरे ऊपर स्टैक करने में आपने कितना वर्क किया है, वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट। दैट वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप किसकी फॉर्म में वर्क कर रहे हो, हाइट की फॉर्म में कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल और आया हुआ है दफा भी। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, और प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास ईंटें कितनी है, 10, और हर ईंट का उसने क्या दिया हुआ है, मैस। मैस कितना दिया हुआ है, 1.5 kg, लेकिन उसने जो उसकी हाइट दी हुई है वो कितनी है हर एक की, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या आ गई, 6 / 100 meter। कितनी ईंटें किसके ऊपर रखा हुआ है, एक फ्लैट टेबल के ऊपर, ये हमारे पास क्या आ गया, किधर टेबल, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कितनी ईंट रखी है, 10। कहता है कि 10 ईंटों को स्टैक करने में, 2 हो गई 3 4, अच्छा ईटा भी नहीं परेशान ना होना, 2 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई बात नहीं। ये सब की जो विथ है वो भी क्या है, सेम, और सबका मैच भी क्या है, सेम। देखें, पहली ईंट को रखने में कोई भी वर्क नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पहली ईंट के लिए सरफेस क्या है, फ्लैट, यहाँ पर हाइट क्या है, 0 है, यहाँ पर हाइट क्या है, हमने जो काम किया है वो कितने ईंटों पे किया है, 9 ईंटों, कितनी ईंटों पे किया है,
तो 9 ईंटों को स्टैक किया है। देखें दूसरी ईंट की हाइट कितनी बन रही है h, जब तीसरी ईंट को रखेंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी 2h, इस तरह जब चौथी को रखेंगे कितनी बन जाएगी 3h, पांचवी को रखेंगे 4h। बात समझ आ रही है? पहली के लिए कितनी है hh, लेकिन जब पहली को रखा उसके लिए हाइट नहीं है, जब हाइट जीरो है तो उसको रखने के लिए वर्क भी क्या हुआ जीरो, वर्क विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तेरा बेटा करे जो करूं की सके। हमारे पास यहां से हाइट इसकी क्या है जीरो, दूसरी को रखा है तो हाइट क्या आ गई है h, इतनी हाइट है, फिर तीसरे की कितनी आ गई 2h, फिर चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं, दसवीं के लिए हाइट क्या आ जाएगी 9h। बात समझ आ गई है? तो साहब आ गई है, ओके। अब ये न्यूमेरिकल ना दो तीन तरह से हो सकता है, अगर आप ये करेंगे कि सब ईंटों का अलग अलग वर्ग निकालेंगे तो मतलब ये न्यूमेरिकल फिर कोई दो समूह का बन जाएगा, तो आप कहेंगे वर्क डन फॉर फर्स्ट ब्रिक, वर्क डन फॉर सेकेंड ब्रिक, तो हमें इसको ज़्यादा एग्जैजरेट ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं, तो हम इकट्ठा वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है पहले आप वो लिख लें, गिवन में हमारे पास क्या क्या है, सबका मैच क्या है सेम, सबकी विड्थ क्या है सेम, आप लिखें क्योंकि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो हम जी की वैल्यू को लिखेंगे। तो हमारे पास मैच क्या गिवन है 1.5 kg एंड वट इज द हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज 6 cm, विच मीन्स 6 / 100, दैट इज 0.06 meter। वट इज द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.8 m/s². ओके, वट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क, दैट वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री में टाइम, ओके। अब टोटल वर्क जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 W10, तो दसवीं ईंट ने किया हमारे पास। W1 हमारे पास क्या होगा जीरो, क्योंकि इसके लिए कोई भी हाइट प्रोवाइड नहीं। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास mg, ये तो सब में कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो h हमारे पास क्या आ गई है h आ गया एज इट इज प्लस, अब जो हमारे पास W3 है इसके लिए हाइट कितनी हो गई है 2h, तो 2 मैं वैसे ही बाहर लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या आ गया 2mgh, फिर क्या आ जाएगा 3mgh, फिर 4mgh, फिर 5mgh, 5mgh कौन सी ईंट के लिए, शाबाश, फिर 6mgh, फिर 7mgh, फिर 8mgh और फिर 9mgh, होगी 10 ईंटें पूरी, सबको ऐड कर दो, बस ये 1 से लेकर 9 तक गिनती ऐड करो कितना बनता है 9, 8, 17, 17, 7 बोलो, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 35, 4, 39, 42, 44, 8, 47, हमारे पास क्या आ गया 45mgh, 45 m की वैल्यू कितनी है 1.5, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और h की वैल्यू कितनी है 0.06, करो मल्टीप्लाई कितना है 39.6 जाऊ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 जाऊ, तो हमें 10 ईंटों को स्टैक करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कितना वर्क करना पड़ा 40 जाऊ, कितना करना पड़ा, इतना ही है, इतना ही है, याद तक कर लिए, ये नोट करना है, जल्दी नोट कर ले जी बच्चे। फोर्थ न्यूमेरिकल, कार ऑफ मास 800 केजी ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज प्राउड टू रेस इन 60 मीटर, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द कार, व्हाट हैज हैपेंड टू ओरिजिनल करंट डिग्री। लो जी एक कार है, उसका उसने हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है,
वो हम दोबारा देख लेते हैं कितना है। तो उसने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, उसके बाद वो किसने आ गई है, रेस्ट में आ गई। उस जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। और मैस कितना है उसका, 800 केजी की एक अदद हमारे पास कार है। 54 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी और फिर ठीक 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो गई है, रुक गई। अब मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन द फोर्स इज रिटार्डिंग। तो फिर फोर्स क्या होती है, रिटार्डिंग। तो जिस फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको रोका है वो कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात उसने आपसे थ्योरेटिकल पूछी है कि व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो लास्ट में आप लिख देंगे एज द वेलोसिटी बिकम जीरो सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, हमारा मकसद यहाँ पर किसको कैलकुलेट करना है, रिटार्डिंग फोर्स को। और आप देखेंगे जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे उसके साथ साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, कार बना लेते हैं, जैगुआर टाइप है, कैसी है, ऑडी, बस ठीक है। और ये ना करना सभी शीशे लगाने को अलग है, धुआं आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 60 मीटर का। 60 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये किसमें आ गई है, रेस्ट में आ गई। किसमें आ गई है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। अभी इसका मास कितना था, 800 किलोग्राम। ऐसा यहाँ पर जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। जिस फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको क्या किया है, जीरो किया है, वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट। ओके, तो हमारे पास गिवन में क्या क्या मौजूद है, मास है, और मास कितना है, 800 केजी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, किलो जगह पर क्या आ जाएगा, 1000, और आर के पर क्या आ जाएगा, 3600। दो सिफर से दो सिफर गए, 540 को 36 में डिवाइड कर दो, कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो। अब हमसे उसने क्या डिमांड किया है, हमने क्या निकालनी है, रिटार्डिंग फोर्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, कितना एस निकले या डी निकले, सब भी यू, दैट इज 60 मीटर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, ए वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो बेटा हमारे पास वो क्या था, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फोर्स डी उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हमारे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 1/2 डी एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखें राइट साइड पर सब पैरामीटर की वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर ले, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 डी कितना है, 60, मास कितना है, 800, फाइनल क्या हो गई थी, जीरो, और इनिशियल कितनी है, 15, और उसका क्या है हमारे पास, स्केयर, 15 का स्केयर लें, हाँ जी, अच्छा ये पहले इसको जरा कट कर लें, 2 4 8, एक सिफर से सिफर गया, 2 2 4, 2 3 6, कितना आ गया, 2 × 15 का स्केयर कितना आया, अच्छा ये 20 था, सॉरी। तो हमारे पास ये आ जाता है 40, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/3, 15 का स्केयर कितना आया, 225, तो ये -225 आ जाएगा। -225 को 20 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर दो, माइनस हमारे पास जो रिटार्डिंग फोर्स आ गई, दैट इज -1500 न्यूटन।
रेंज 1500 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगी है जिसने आपकी गाड़ी जो कि 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही थी उसको रोक दिया कितने फासले के बाद 60 मीटर के फासले बाद व्हाट विल बी हैपन विद काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो निकलेंगे ठीक है चलो हमारे पास चार मेरिकल हो गए बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे।